in responding to fallacious comments about India by one particular delegation, taking the floor again only to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. ने आवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर देन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, वेलकम, लेट्स मूव। प्राइम मिनिस्टर बन के तो वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो साउथ एशिया में प्राइम मिनिस्टर बने और अपनी स्पीच में इंडिया का नाम लिए बगैर कश्मीर की बात करे? कश्मीर हासिल कर लेंगे, कौन सा कश्मीर जो इंडिया के पास है, और जो हमारे पास है वो रह जाए, वो बड़ी बात है, उधर से क्या लेना है? हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा, कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका, सही बात है, वो जो है ये इसराइल फलस्तीन को नहीं कहा सका। कश्मीर किससे मांग रहा है? अल्लाह से कश्मीर मांगते हुए तो 70 साल आप लोगों को हो गए ना, वो कश्मीर तो दूर की बात है, उसने उसके नाम पे एक कंकर तक नहीं फेंका आप लोगों की तरफ, वो तो जाने दें। तो आप कश्मीर मांग किससे रहे हैं विदाउट मेंशनिंग इंडिया? क्या बात है, नहीं है, कुछ सारा झूठ है, दम नहीं है, दम देखिए, मैनेजर चोरी की हुई हुकूमत के पास दम कैसे होता है? चोर की, चोर कब तक टिक सकता है? चोर ने चोरी की है, नहीं टिक सकता है। अच्छा। तो कैसे वो आजाद कश्मीर, क्या वो आजाद कश्मीर में जाके बैठ जाए तब बड़ी बात है? चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करा था पाकिस्तान में, अरबों डॉलर डाले थे, वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। जैसे पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदा भाग नहीं होता, पाकिस्तान जिंदा भाग होता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो यही चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। यानी इससे बड़ा पागलपन, इससे बड़ा धोखादेही अपने आवाम के साथ, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? कश्मीर किसके पास है? इस चला गया है कि मोदी उससे फोन पे बात करे और बाइडन उसको मुबारकबाद दे। मोदी ने उसका फोन अटेंड नहीं किया और बाइडन ने उसको फोन के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी, और मैं उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं जब ये दोनों जो है चाचू के इंतखाब के ऊपर फोन करेंगे, मजा बड़ा आएगा। ठीक है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है, लेकिन उसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब शहबाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रहा कि वो पीएम मोदी को बधाई के लिए शुक्रिया कहे या विदेश मंत्री एस जयशंकर के हमले का जवाब दे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के एग्जाम्पल लिए गए कि देखो पाकिस्तान कितना पीछे रह गया और इंडिया कितना ऐसा नहीं है। चाइना गुर्दा कलेजी दिल फेफड़े निकाल लेता है, पर ये पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, इतने चोर हैं कि वो चाइनीज जो फेफड़ा कलेजा दिल गुर्दा निकाल लेते हैं उन लोगों से भी हाथ जुड़वा ले। वो लोग भी कह रहे हैं भाई कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बख्श दो। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, डू नॉट राइट, मुझे शक है कि हमारे वजीर आजम लिख दें मोदी साहब को कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इफ दैट रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर की बात इसलिए कर रहा हूं कि बेचारा ये हसरत लिए हुए चला गया है कि मोदी उससे फोन पे बात करे और बाइडन उसको मुबारकबाद दे। मोदी ने उसका फोन अटेंड नहीं किया और बाइडन ने उसको फोन के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी, और मैं उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूं जब ये दोनों जो है चाचू के इंतखाब के ऊपर फोन करेंगे, मजा बड़ा आएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे उस व्लॉग का मजा ना आया, एडवांस पैसे वापस ले लो, नाल गुड़ दी रोड़ी भी दवांगा जो मजा ना आया तो अंत। उस बात का आपने इंतजार करना है और फिर उसके बाद चीखो पुकार आहो गौगा जो मचना है उसका। असल एक ही समय पर भारत ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी और उसके बाद तमाचा भी मार दिया। सबसे पहले आप पीएम मोदी का ये ट्वीट देखिए, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है, लेकिन उसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दे दिया कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता।
अब शहबाज शरीफ को यह समझ नहीं आ रहा कि वो पीएम मोदी को बधाई के लिए शुक्रिया कहे या विदेश मंत्री एस जयशंकर के हमले का जवाब दे। ऐसा देख और पाकिस्तान के अंदर आए दिन इलेक्शन से पहले उठाकर देख ले, चाहे इमरान खान हो गए चाहे नवाज शरीफ हो गया, दोनों खूब जम के शोर मचाते हैं कि भाई इंडिया ये तरक्की कर गया, इंडिया वो तरक्की कर गया। इस बार मजे की बात यह है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले कैंपेन में इंडिया का जो नाम लिया गया वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैनर में लिया गया। इससे पहले कभी भी इंडिया से दुश्मनी की बात की जाती है, इंडिया से लड़ाई झगड़े की बात की जाती है, मार कुटाई की बात की जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के एग्जाम्पल लिए गए कि देखो पाकिस्तान कितना पीछे रह गया और इंडिया कितना आगे बढ़ गया। और दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर्स खूब जम के वादा करते हुए नजर आए कि अगर मैं आया तो मैं इंडिया के बराबर तरक्की करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। चाइना वो काम कभी नहीं करता जो भारत ने बोला श्रीलंका में, अच्छा कितने अरब चाहिए ले लो भाई, आप हमारे नेबर हो कोई बात नहीं, दे देना बाद में जब ठीक समय। ऐसा नहीं है, चाइना गुर्दा कलेजी दिल फेफड़े निकाल लेता है, पर ये पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, इतने चोर हैं कि वो चाइनीज जो फेफड़ा कलेजा दिल गुर्दा निकाल लेते हैं उन लोगों से भी हाथ जोड़वा ले। वो लोग भी कह रहे हैं भाई कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बख्श दो, हमें परमिशन दे दो वापस जाने की, यार हमें अपने मुल्क वापस जाना है, गलती हो गई हमारी, तौबा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने पैसे लगाए। अब सुनो मेरी बात, पाकिस्तान टोटल डेट टू चाइना फ्रॉम 2000 टू 2021 वॉज $67 बिलियन, $67 अरब $67 की पाकिस्तान का टोटल डेट है चाइना को, जो कि 2000 से लेकर 2021 यानी कि 21 साल में उन्होंने $67 बिलियन यानी कि हर साल भाइयों ने 3 अरब से ज्यादा और लगातार 21 साल से ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई साल ना हो गए। रजब तैयब अर्दगान तुर्की के सदर जो हैं उन्होंने भी वेलकम कर दिया है, वैसे बड़ा दुख होया होगा पीटीआई की उस टीम को जो कि रजब तैयब अर्दगान की टीम से ट्रेनिंग लेके आई हुई है। उन्होंने रजब तैयब अर्दगान को अभी तक गालियां नहीं बकी, क्योंकि अपने बाप को तो गालियां नहीं बकता जिसने इनको जन्म दिया हो, तो वो बहरहाल वो भी एक अपनी जगह के ऊपर जो है वो हकीकत है। अपना यूएई के जो नहयान फैमिली है उन्होंने भी वेलकम कर दिया। अच्छा जी उसके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।